यकीन इन गिलगित बल्तिस्तान की डाइवर्सिटी और कंपेरेटिव एडवांटेजेस दूसरे तमाम रीजन्स के नस्बत डिफरेंट है। यहाँ की माउंटेन एग्रीकल्चर और माउंटेन एग्रीकल्चर के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स पैदा होती हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसका कलर, उसका जायका यकीनन दीगर इलाकों के प्रोडक्ट से यकसर होता है। तो इस वक्त दुनिया समेत पाकिस्तान को जो फूड सिक्योरिटी का चैलेंज है, जो फूड सिक्योरिटी के इश्यूज आ रहे हैं, उसको कैप करने के लिए एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए एनहांस करने के लिए यहाँ पे जितनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं उसमें यकीनन फार्मर, जितने फार्मर्स हैं 166 के करीब जो फार्मर सोसाइटीज़ हैं और यहाँ नगर में तकरीबन 15 फार्मर सोसाइटीज़ हैं, इन सोसाइटीज़ की मजमूई कारकर्दगी गैर मामूली है। मैं सराहता हूँ, मैं दाद देता हूँ गिलगित बल्तिस्तान की जितनी फार्मर सोसाइटीज़ और फार्मर्स हैं, तकरीबन उन सोसाइटीज़ में 40,000 के करीब फार्मर्स जो हैं अटैच्ड हैं। इन सब के साथ मिलकर गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है इनकी भी इनपुट रही है, हमारी ETI इफाद की तरफ से भी अच्छी इनपुट रही है, इनकी इंटरवेंशंस भी बड़ी जबरदस्त रही हैं। हेलो, आई एम वेंडी गिलमोर, आई एम द कैनेडियन हाई कमिश्नर हियर इन पाकिस्तान। आई एम विजिटिंग द ब्यूटीफुल गिलगित बल्तिस्तान एंड हैव स्टॉप्ड एट द राकापोशी व्यू पॉइंट एंड हैव मैनेज्ड टू कम टू सी द नागार वैली फार्मर्स who have displayed all of their produce that have been from this particular season. There are apricots and walnuts and fresh vegetables and just a wonderful array. And it's so great to see these farmers that are taking control of their own livelihoods with the help of the economic initiatives of GB, with IFAD. We have women farmers here and men, and it's tremendous. I wish I could stay and buy more. There's only so much I can take home with me, but I encourage everybody to come and see it. जैसा कि आप सबको मालूम है, आज दो दिनों से यहाँ राकापोशी व्यू में एक फेस्टिवल लगाया गया है, जिसमें इस साल हमें ETI वालों ने एक प्रोजेक्ट दिया था ग्रीन हाउस के नाम से, जिससे हमारे तमाम फार्मर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया है। इसमें हमने दो फसलें करवाए थे, एक टमाटर और दूसरा खीरा। टमाटर का हमने पिकिंग ख़त्म किया है, अब खीरे का पिकिंग स्टार्ट है। हम IFAD वालों के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ऐसे प्रोजेक्ट से नवाजा है, जो कि हम 5-6 कनाल के ज़मीनों से इतना फ़ायदा, इतनी आमदनी हासिल नहीं कर सकते थे। आज एक टनल से हमने ज्यादा से ज्यादा आमदनी हासिल किया है। हमारी सोसाइटी में 255 मेंबर हैं, जिनमें से 50% फीमेल फार्मर हैं और 50% मेल हैं। तो हमारी सोसाइटी के प्रोजेक्ट्स में वर्टिकल फार्मिंग थी, जो कि फर्स्ट टाइम नगर में इंट्रोड्यूस कराई गई, जिससे बहुत सारे किसानों को फ़ायदा हुआ। उनके जो फाइनेंशियल मसाइल थे वो उनसे काफ़ी हद तक वो बाहर निकले हैं। किसी भी कौम का, माशरे का पोटेंशियल होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को जो हमारे फार्म के अंदर हैं उनको इतना रिफाइंड करें, उनको वो शेप दें और जदीद तौर के साथ उसको अमाल करें और उसको मार्केट करें, उसी के अंदर अपनी इकोनॉमी पैदा करें, उसी के अंदर अपनी सर्वाइवल पैदा करें। आज हम इस काबिल हुए हैं कि अपनी मार्केट के अंदर से अपनी चीज़ों को उसको शेप दे के, उनके अंदर वैल्यू एडिशन करके आज हम उसको मार्केट करने के करीब पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी भरपूर आपके साथ मदद होगी। हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपके प्रोडक्ट्स को फौरी तौर पे, जो इस वक्त जिस स्केल में आपके प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मार्केटिंग हो सके, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान की मार्केटिंग है या पाकिस्तान की मार्केटिंग है, उन मार्केट तक आपकी एक्सेस हो। इसके ऊपर हमसे जो कुछ भी हो सकता है इस पर हम करें।